पीपल दैट्स माई ऑफिस, ये अपना बीबी हाउस। और क्या बात है, मैं इसको लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे ताकि मैं अच्छे से आ सकूँ। मेरा जो और ये तो मैं अभी निकल रहा हूँ घर पे, क्योंकि पहले मैं जिम गया, जिम से आने के बाद मैं अपने ऑफिस आया और कुकू की तबीयत ठीक नहीं है, सो उसको थोड़ा सा फील अच्छा करवाने के लिए आज हम सोच रहे हैं फिर से एक डिनर प्लान करता हूँ मैं उसके लिए, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे और उसका मूड जो है वो ठीक हो। तो मैं अभी देखता हूँ घर पे जाके क्या प्लान होता है, कहाँ जाते हैं हम। आप लोगों के साथ ये सब मैं शेयर करूँगा, जैसे वो तेरी माँ की क्या गिरा बहन चोद ऊपर से, सॉरी। और ये ऐसे हो गया। यस, तो मैं बस पहुंचने वाला हूँ घर पर, और घर जाकर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। नहीं, घूमना तो नहीं है, खैर ये थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, कुछ दिल बहल जाएगा कुकू का, घर पर बोर हो जाती है क्योंकि कैफ़े पे अभी वो आ नहीं रही आजकल, बोलते कि मेरा मन नहीं लगता कैफ़े पे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम घर को रहो, रेस्ट करो। मुंह कितना मोटा हो गया मेरा यार, दिन में भी इतना ट्रैफिक रहता है बाबा, हर वक्त जब देखो जब आप। अच्छा बॉम्बे में, ओ वाह, फोन के झटके, गड्ढे है ना यहाँ पे, भयंकर वाले गड्ढे जिसको बोलते हैं, क्योंकि बारिशें इतनी होती हैं, बारिशों की वजह से हो जाता। अरे अपने आप रिकॉर्डिंग हो गई, ओ अच्छा, अगर आप ऐसे इसमें वेव कर देते हो, हाथ दिखाते हो, तो इसमें अपने आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हो गई तो अच्छी बात है भाई। पहुँच गए हम अपनी बिल्डिंग में, और बिल्लियाँ इतनी है हमारी बिल्डिंग में जिसकी कोई हद नहीं। रुक जा, स्टॉप, नहीं क्या, आ जाओ लड़की, आज तो बस बैड उठवाइयो मेरे से, बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या निकालेगी, खजाना इसमें से। यस, तो चलिए जी, हम भी हो गए हैं तैयार और मैडम भी हो गई हैं तैयार। यही चप्पलें पहन के जाएगी, चप्पलें यही चप्पलें पहननी है, बैग यही अच्छा है, कौन सा है दिखा, ये ला ला। और मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो देखो बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ जैसे पोलो खेलने नहीं जाते वो मैच देखने पोलो का, वैसा। तू ज्यादा अच्छी लग रही है, तू वैसे भी ज्यादा अच्छी लगती है बेबी हमेशा। ला 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 ला, अभी दे दूँ दिखा दे। अच्छा चश्मा ही पे रहेगी, हाँ ये अब लगेगी लेडी। ओए भाई ओए, ऐसी रही फोटो खींच लूँ तेरी, ये दो। और चप्पलें भी यही वाली पहन के चल, हाँ अब लग रही है ना। तो मैंने तो बोला ही था हमारा जन्म ही अमीर घर में होना चाहिए था, वो तो गरीबी में पैदा हो गए हम, पर अभी अमीर हम बन जाएंगे दोनों जने, है ना। शकल से तो लगती ही है ना, पर मैं तो अकल से भी लगता हूँ। ये तो मैडम अभी तैयारी कर रही है कौन सी ड्रेस पहन के जाएं, मुझे लगा ये तैयार है, तभी कह रही है एक और मैं पहन के देखती हूँ। बेटा इधर वो आ रही है, धूप आ रही है, मतलब वो अच्छा नहीं आ रहा, नहीं अच्छा आ रहा, अब अच्छा आ रहा है, खोल खोल खोल। तो इसने दो ड्रेस डिसाइड किए, या तो ये या तो वो, या फिर वो तो उतार ही थी, अब उसको कौन पहन के खड़ा होगा। तो दो
तो दोनों में से मुझे लग रहा है दोनों बेटर कि दोनों ही अच्छी हैं, पर ये भी अब ज़्यादा अच्छी लग रही है उससे, ये भी ठीक है ना। अच्छी तो हर कपड़े में लगती है। Thanks. वो तो पहने ना तूने कभी आज तक अच्छे कपड़े स्टाइलिश? शादी के बाद सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली है ना अपनी, तो समझ गया शादी से पहले भी अच्छे कपड़े पहनते। अच्छा जी, कोई हाई हील वाला ट्राई करो। कहाँ है दिखा है तो। नहीं रहने दे फिर, देख कितने सारे जूते हैं और कहते मेरे पास जूते नहीं है, और ये मेरे बेचारे गरीबों के जूते जिसके पास है ही नहीं कुछ। ये कंफर्टेबल नहीं आएगी ना लेकिन तेरे को? नहीं ठीक है, कंफर्टेबल है। अच्छा जी, ये आ, ये आ, 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 ज्यादा अच्छे लग रहे थे वो। अच्छा जी, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा ब्लैक है ना। चलो फिर, मेरा चश्मा छीन लिया इस आदमी ने। एक रात पता नहीं क्या क्या छीन लिया, मेरा चश्मा छीन लिया इस आदमी ने। हाँ दे दो। क्या दे दो? ये आदमी ने मेरा चश्मा ले लिया। मेरी फोटो खींच पहले, पता ना कहाँ कहाँ जाता। मोटे होश वालों को। चलिए गाइस मैं आपसे मिलता हूँ फिर बाहर स्टेशन पे। है क्या करना वॉलेट का? कर लो बंद। बारिशें आ गई थी ना आजकल दो तीन दिन से, गर्मी हो गई है बहुत। तोड़ दे। फिर मैंने इस वजह से बोला था कि आपको बुरा ना लग जाए। पागल क्यों हो गए? ना चश्मा दे दो फोटो खींचने के लिए बस। बेटा तो अपने खुद ले लिया करो। मैंने क्या बोला था अभी ऊपर तेरे को? हटाओ ना। तुझे कोई कुछ भी बोल ले, तेरे को करना वही है जो तुझे चाहिए, है ना? यहाँ से है 30 मिनट्स का रास्ता, 28-26 मिनट का। अभी कितना डार्क डार्क सा हो रहा है ना, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। 8 बजे अंधेरा होता है यार। मैं तो तरस ही जाता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर खुद आने के लिए। हटो, लाओ मैं लाती हूँ, लेते हैं। ये या तो शर्माती रहेगी फोन पकड़ने से या ब्लॉग बनाने से, और मैं बोलता हूँ बेबी बना लिया कर, पकड़ना है तो मैं कुछ बोलना ना है लाली, तो है कुछ ना बोलना, मैं बोल लेगा सब। और एक तो इस पोजिशन में बैठता हूँ तो मेरा पेट बाहर दिखता है, जबकि मेरा है नहीं इतना। मोटा कर दिया ना मैंने, क्या करूं मैं, खाना इतना अच्छा बनाती हूं। खाना तो अच्छा बनाती है, पर अभी जैसे आज करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना स्वाद ले लेके खा रहे थे जैसे आज। आज क्या मस्त वैरायटी थी ना खाने में। बाप रे ट्रैफिक। करो बंद। क्या बंद करो, मुंह सड़ा के बैठ जाती है जब देखो जब। अब बोल क्या बोल रही थी, बोलो सड़ू, बोलो। जनता जानना चाहती है, कहती है मैं खूबसूरत नहीं, मुझे मेकअप की जरूरत है। देखियो कोई कह देगा इसको मेकअप की जरूरत है इसको? कुछ भी है? ये तो मैंने बोला तुझे शर्म नहीं आती? भगवान ने तेरे को इतनी अच्छी सुंदर शक्ल दी है। ये अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या जी का बंगला है, और यहाँ से हमको राइट जाना है जुहू में। जुहू में एक बहुत अच्छा होटल है, सन एंड सैन, 5 स्टार। वहाँ पे क्योंकि
कुकु को बीच पसंद है, बेबी को बीच पसंद है ना, इसलिए इसको वहां लेके जा रहा हूँ मैं।